यू आर वॉचिंग माई नाइस अकेडमी चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद अदर्स। रहमान रहीम, क्लास 8, न्यू काउंटडाउन, मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 करने से पहले हमें मार्कअप के फार्मूले को ज़रा गौर से पढ़ने की ज़रूरत है या देखने की ज़रूरत है। अगर फ़र्ज़ करें इसमें हमें रेट की वैल्यू नहीं दी हुई है तो रेट मालूम करना है तो क्या करेंगे, उस हम ऐसे करेंगे कि मार्कअप, ये बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, ये हमारा बेसिक फार्मूला है मार्कअप, प्रिंस बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम बाय 100। ये तो यही सेम हो गया। अब हमें रेट मालूम करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम, इधर भी और इधर भी हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम और मल्टीप्लाई बाय ये हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100, ये कर देंगे। इधर से ये चीज़ें ख़त्म करेंगे इस तरह करने से तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रेट, रेट इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय मार्कअप बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। इस तरह से हमें इस चीज़ को अपने हिसाब के मुताबिक फार्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, बेसिक फार्मूला यही ही है। ठीक हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द रेट, अब रेट मालूम करना है, ये वाली ये फार्मूला इस्तेमाल, फार्मूला तो बेसिकली यही है लेकिन अब ये हम ये यूज़ करेंगे क्योंकि हमने ये चीज़ अपनी समझ ली है कि फार्मूले को कैसे हम रीयूज़ कर सकते हैं। एटीन में क्या है, पार्ट वन में कि प्रिंसिपल हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 700, और मार्कअप कितना है, मार्कअप है 210 और टाइम हमारे पास है 3 ईयर्स। बस सिंपल सी बात, अब क्या करेंगे, रेट ही मालूम करना है हमने तो क्या है, 100 मल्टीप्लाई बाय ये फार्मूला ना, मार्कअप क्या है 210 बाय प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 700 मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है 3 ईयर्स। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ये वैल्यू ऊपर और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो हमारे पास इसका आंसर जब हम कैलकुलेटर से करेंगे तो 10% आ जाएगा। ऐसे भी ये 10 तो ये 10% हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब पार्ट टू, पार्ट टू में क्या है, प्रिंसिपल हमारे पास है कितना, 1200, मार्कअप है 1444
और टाइम है इसमें 2 ईयर्स। एक्चुअली सिर्फ कहानी इसमें ये फार्मूले की है कि आपने बेसिक याद हो तो बाकी आप कर लेंगे इंशाल्लाह। तो सेम वही हुआ, 100 मल्टीप्लाई बाय मार्कअप 144 बाय प्रिंसिपल 1200 मल्टीप्लाई बाय टाइम 2। तो बस अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इंशाल्लाह आ जाएगा, जो मैंने किया है 6% आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप उसमें इनको डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि हमने टाइम मालूम करना है। अब उसी फार्मूले को हमने में टाइम को अलग कर लेंगे, बाकी को अलग कर देंगे। तो टाइम मालूम करना है हमने, प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है 600, मार्कअप कितने 90, रेट क्या है हमारे पास 5%। ठीक है, तो टाइम का फार्मूला हो उसी फार्मूले में को हम इस तरह से लिख पाएंगे, मार्कअप बाई प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। बस इतनी सी बात है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई बाई 90 बाई 600 मल्टीप्लाई बाई 5, तो टाइम आ जाएगा 3, ये 3 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 आ जाएगा, 19 का पार्ट 2। प्रिंसिपल हमारे पास क्या है इसमें 1500, मार्कअप क्या है, मार्कअप है हमारे पास इसमें 450 और रेट क्या है 6%। तो टाइम का वही फार्मूला जो ये है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 450 बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ जाएगा 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, अब मार्कअप मालूम करना है हमने, मार्कअप मालूम करना है इसमें, फाइंड द मार्कअप। प्रिंसिपल हमें क्या मिल दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें दी हुई है 660, टाइम हमें क्या दिया है 3 ईयर्स 4 मंथ। ठीक है, फोर मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 4 बाई 12, 4 को अंदर रखेंगे 12 को बाहर, 0 यहाँ पे सिफर इशारिया, 12 3 36, 4 आ जाएगा, फिर 36, तो ये कंटिन्यू रहेगा, तो क्या होगा ये 3.33, ये ईयर्स में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमने 12 मंथ है। ठीक है, 12 महीनों का साल होता है, तो 12 को फिर डिवाइड करेंगे 4 को, तो 0.33 हमारा आंसर आएगा। ये आ गया, ईयर में कन्वर्ट कर दिया हमने। इसके बाद हमारा मार्कअप क्या है, मार्कअप और रेट क्या है इसमें 4.5
5%. तो मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम बाई 100. इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 4.5 मल्टीप्लाई 3.3 बाई 100. इनको आपस में सबको मल्टीप्लाई करेंगे 100 पर डिवाइड करेंगे तो 99 आपका आंसर आएगा. ठीक हो गया जी. क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हुआ. क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट विल बी द मार्कअप बी ऑन RS 600 फॉर 3 years 6 months एंड 20 days एट 6% पर एनम. मार्कअप हमने मालूम करना है. प्रिंसिपल हमारे पास वैल्यू क्या है 600. टाइम क्या है 3 years 6 months 20 days. तो इसको हम साल में कन्वर्ट करेंगे. अब इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से तो साल में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये डेज है तो एक साल में 365 दिन होते हैं. इसको 365 से डिवाइड करेंगे तो इसको 365 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.53 प्लस ये ईयर्स है प्लस ये आ जाएगा 0.05. इनको आपस में अब तीनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.55 ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अब रेट हमारा है 6%. मार्कअप पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी बाई 100. 600 मल्टीप्लाई बाय रेट हमारा 6 मल्टीप्लाई बाय 3.55 बाई 100. तो क्या होगा इसे इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 128 RS रुपीज. ये हमारा आंसर हुआ 21 का. यार अब तो प्लीज लाइक कर दो. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज.